नमस्कार दोस्तों, आज मैं 507 का इकाई 5 का फिर से एक प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके पहले 4 प्रश्न लेकर आया था और ये चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा लगातार 507 का ही वीडियो आता रहेगा। तो हम लोग प्रश्न को पहले समझना चाहिए, प्रश्न को समझ लेते हैं फिर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, ऐसे कौन सी विद्यालयी साधन हैं जो बच्चों को स्वरूप वातावरण प्रदान करने में सहायता करते हैं। बच्चों को अच्छा वातावरण देने के लिए विद्यालय में क्या-क्या साधन होना चाहिए जिससे बच्चे खींचे चले आएं, यानी घर में नहीं रहना चाहें, वे दौड़कर विद्यालय आना चाहें। ऐसा क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय में भौतिक साधन, कमरा, शौचालय, खेल का मैदान, पीने की पानी, पानी की सुविधा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, रसोई घर, चार दीवारी, शिक्षण सहायक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की उपलब्धि एवं भौतिक साधन की गुणवत्ता बच्चों की नामांकन एवं बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति को प्रभावित करता है। दोस्तों, किस विद्यालय में बच्चे जाएंगे? मान लीजिए आपके यहाँ ये बच्चा है और इधर भी एक विद्यालय है और इधर भी एक विद्यालय है, वह बच्चा किस ओर जाना चाहेगा ये निर्भर करता है इस विद्यालय की भौतिक साधन। भौतिक साधन, यहाँ पर किस तरह का कमरा है, किस तरह का खेल का मैदान है, किस तरह का पुस्तकालय है, किस तरह का प्रयोगशाला है, रसोई घर, साफ सफाई, सीढ़ी, बहुत सारा चीज़ें, कमरा, शौचालय, खेल का मैदान, पीने की पानी की सुविधा, मध्याह्न भोजन, ये सभी जिन स्कूलों में अच्छा रहता है उन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन अधिक रहता है। नामांकन भी अधिक होगा और बच्चे उपस्थित भी ज़्यादा होंगे। यह अधिनियम एक आकर्षक, स्वस्थ और प्रेरित करने वाला विद्यालय वातावरण का परिकल्पना करता है ताकि विद्यार्थियों को आकर्षित किया जा सके। यह जो अधिनियम है, आरटीई अधिनियम 2009, यह कह रहा है कि एक विद्यालय में ये सभी चीज़ें होना चाहिए। क्या-क्या होना चाहिए फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। अच्छे कमरे, साफ सफाई वाले कमरे, शौचालय, खेल का मैदान, पीने की पानी की सुविधा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, रसोई घर, चार दीवारी, शिक्षण सहायक सामग्री, पुस्तकालय और प्रयोगशाला वगैरह। तो ये सब यदि अच्छा होता है तो यह अधिनियम कहता है, यह अधिनियम एक आकर्षक, आकर्षक मतलब किसी को अट्रैक्ट करने वाला, स्वस्थ और प्रेरित करने वाला विद्यालय वातावरण की परिकल्पना करता है यह आरटीई। आगे चलिए देखिए, इसके लिए आरटीई अधिनियम ने विद्यालय ढांचा सुविधाओं के लिए कुछ मापदंड और नियम निर्धारित किए हैं। ये विद्यालय साधन निम्नलिखित हैं। आरटीई ने कुछ मापदंड बनाया है, कुछ नियम बनाया है, कुछ ढांचा बनाया है, कैसा सुविधा होना चाहिए, कैसा सुविधा नहीं होना चाहिए, किसको बदलना चाहिए, इसके बारे में आरटीई अधिनियम ने एक मापदंड निर्धारित किया है, एक नियम को निर्धारित किया है। इस नियम के अनुसार क्या-क्या सुविधाएं विद्यालयों में होना चाहिए ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, विशिष्ट सुविधाओं युक्त विद्यालय भवन। विशिष्ट सुविधाओं युक्त विद्यालय भवन, विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत सारे सुविधा हो।
क्या क्या सुविधा हो सकता है जो सबसे आवश्यकता वाला है, कक्षा कक्ष यानी रूम, क्लासरूम, शौचालय और पीने की पानी की सुविधा, ये सबसे जरूरी चीज है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, रसोई घर, चार दीवारी, खेल का मैदान, शिक्षण सहायक, ये भी जरूरी चीजें हैं। ये एक विद्यालय में होना ही होना चाहिए। दूसरा है अवरोध मुक्त पहुंच। यहाँ पर आप नंबर सिस्टम भी कर सकते हैं, एक नंबर, इसको ऐसे दो नंबर ऐसे लिख भी सकते हैं। अवरोध मुक्त पहुंच, आप एक शिक्षक हैं, आप देखेंगे कि विद्यालय में अनेक तरह के बच्चे आते हैं। कोई बच्चे विकलांग रहते हैं, कोई बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होता है, कोई बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होता है, यानी किसी का पैर की समस्या है, अनेक तरह की विकलांगता बच्चों में होती है। ये सभी बच्चों में नहीं, कुछ बच्चों में मान लीजिए परसेंटेज में 100 में 1-2 ऐसे होता है, और सभी विद्यालयों में प्रायः देखा जाता है। यदि ऐसे बच्चे हैं तो उसके लिए आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा, इन विकलांग बच्चों के लिए आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, यानी यह भी बच्चा जो है विकलांग बच्चा है वह भी आपके विद्यालय में आराम से आ सके, विद्यालय के अंदर आराम से रह सके, विद्यालय के अंदर आराम से शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए आपने अपने विद्यालय में क्या क्या सुविधा दिया है, यह देखने की बात होती है। देखिए यहाँ पर आप क्या क्या दे सकते हैं। कुछ बच्चों को पैर की समस्या होती है, वे ठीक ढंग से चल नहीं पाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाते हैं, इन विकलांग विद्यार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे वे आसानी से हर जगह जा सकें, खेल का मैदान, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला की उपयोग ठीक ढंग से कर सकें। देखिए जिनकी समस्या पैरों की है, आप खुद सोचिए, जिनका पैर बहुत तरह की पैरों की समस्याएं होती है, अब उसे सीढ़ियों पर चढ़ना है, शौचालय जाना है, पुस्तकालय जाना है, प्रयोगशाला जाना है, खेल का मैदान जाना है, इन सभी जाने के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है, अपने विद्यालयों में रैंप लगाया है जहां से वो आराम से चढ़ सकता हो, ऐसा क्या क्या व्यवस्था किया है, यानी विकलांग बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था हो जो अवरोध मुक्त यानी बिना रुकावट का एक जगह से दूसरा जगह जा सके। सीढ़ियां रुकावट है, सीढ़ियां के जगह हम रैंप का उपयोग करेंगे तो हर जगह जा सकता है। विकलांग बच्चों के लिए अलग से आप चाहें तो शौचालय भी बनवा सकते हैं जहां से वह आराम से शौचालय जा सकता है, शौचालय का उपयोग कर सकता है। विद्यालय में खतरे से निपटने के लिए व्यवस्था हो जैसे अग्निशमन यंत्र, तड़िक चालक आदि। देखिए विद्यालय में कभी कभी इन सब चीज़ों की भी जरूरत पड़ जाता है, अग्निशमन यंत्र हो, तड़ित चालक हो, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था विद्यालय में जरूरी है, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आता है मध्याह्न भोजन की सुविधाएं। देखिए मध्याह्न भोजन जो है एक तरह का प्रेरणा का काम करता है, बच्चों को खींचने का काम करता है, घर से खींचकर विद्यालय में लाने का काम करता है, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना को जितनी आप अच्छे ढंग से चलाएंगे या चलवाएंगे उतनी ही अधिक आपके विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, नामांकन संख्या बढ़ेगी, बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सरकार ने इसके लिए मेनू का मेनू निर्धारित किया है, इस मेनू का पालन करना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मध्याह्न भोजन करते समय बच्चों को बैठने का समुचित प्रबंध होना चाहिए, बच्चे कहाँ पर बैठेंगे, बैठ के भोजन कहाँ पर करेंगे,
इन चीज़ों की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। अर्थात मध्याह्न भोजन योजना को बहुत अच्छे ढंग से आपके विद्यालय में चलाना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है, जो चौथा पॉइंट है, पेयजल, शौचालय, खेल का मैदान व खेल की सुविधाएं। देखिए, पेयजल पीने की पानी बहुत ज़रूरी है विद्यालय में। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अपने साथ बोतल बंद पानी लेकर नहीं जा सकते हैं, बोतल में पानी भर के नहीं ले जा सकते हैं, उन्हें विद्यालय में ही पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए। शौचालय होनी चाहिए, शौचालय विशेष करके लड़कियों को बहुत भारी दिक्कत होता है। मैंने देखा है कि अपने स्कूल का मैं अनुभव बता रहा हूँ कि जब बड़ी लड़कियाँ हो जाती है, जब बड़े बड़े 6, 7, 8 की लड़कियाँ जब होती है, तो उन लोग शौचालय के अभाव में विद्यालय नहीं आना चाहती है, शौचालय के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए विद्यालय में शौचालय बहुत अच्छे ढंग से कार्यान्वयन करना चाहिए, क्रियाशील रखना चाहिए। खेल का मैदान, बच्चों को खेल तो बहुत अच्छा लगता है, आप बच्चों को खाना नहीं देंगे लेकिन खेलने के लिए दे देंगे तो खेलेंगे, इसलिए खेल का मैदान भी बहुत ज़रूरी है और खेल की सुविधा भी होनी चाहिए। आरटी, मैंने यहाँ पूरा क्या लिखा है इसको देख लीजिए, आरटी 2009 के अनुसार विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल तथा सफाई व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान है। छोटे बच्चों के लिए पेयजल और शौचालय अति आवश्यक है। लड़कियों को शौचालय नहीं रहने पर ज़्यादा परेशानी होती है, वे विद्यालय नहीं आना चाहती है, विद्यालय में खेल का समुचित प्रबंध होना चाहिए। अंतिम पॉइंट बनेगा आपका आकर्षक विद्यालय भवन। अब विद्यालय भवन तो है, बहुत सारा रूम है, लेकिन उसमें साफ़ सफाई का अभाव है, जहाँ तहाँ कूड़े कचरे फैले हुए हैं, डस्ट है, जहाँ हाथ मारो डस्ट उड़ता है, तो ऐसा विद्यालय में बच्चे नहीं आना चाहते हैं, उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। आकर्षक विद्यालय, रंग रोगन, पेंट वगैरह विद्यालय में करवाया जाना चाहिए, एकदम रंग रोगन करके, पेंट वगैरह करके एकदम चकाचक कर देना चाहिए, और साफ़ सफाई हो गया, दीवार भी हो गया, रंग बिरंगे चित्र, बच्चों के लिए रंग बिरंगे चित्र बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे रंग बिरंगे चित्र देख करके अट्रैक्टिव होते हैं, इसलिए दीवालों में आप देखेंगे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में या जो नर्सरी स्कूल होते हैं उसके चारों तरफ दीवालों में रंगीन चित्र बना के रख देते हैं, हाथी, घोड़ा, फल फूल, सब्जी, तरह तरह के चीज़, फिर कार्टून का चित्र बना के रख देता है, उससे बच्चा खुश होता है और विद्यालय बहुत ज़्यादा आना चाहता है। तो आप चाहें तो एक कमरा जहाँ पर छोटे बच्चों को बैठाते हैं, उस कमरे में चारों तरफ रंगीन चित्र बना दें, अल्फाबेट लिख दें, हिंदी के वर्णमाला को लिख दें, गिनती को लिख सकते हैं, ये सब लिखने से बच्चे देखते हैं, उसे देख करके भी सीखते हैं और उसको कमरा अच्छा लगता है, वहाँ पर आने के लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये था। और दूसरा चीज़ मैं जाते जाते फिर से आप लोगों को बता दूं कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूँ, आपका तैयारी है, मैं भी तैयार हो रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। इसके लिए YouTube पर लाइव क्लासेज अब आपके आने शुरू हो जाएंगे, YouTube पर लाइव क्लासेज, सरल भाषा में नोट्स मिलेगा, मेरा जो आपने देख रहा है कि नोट्स किस तरह कर रहा है, ये नोट्स आपको मिलेंगे। होता क्या है, सभी प्रश्न का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कुछ ही प्रश्नों का वीडियो बना पाता हूँ जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन सभी प्रश्न आपको टैकअप करने हैं, सभी प्रश्न को पढ़ने हैं तो आपको नोट्स खरीदना पड़ेगा, बिना नोट्स का कोई उपाय नहीं है। असाइनमेंट आपको चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, ये सभी यहाँ पर उपलब्ध है, पूरा MCQ आपको मिलेगा, शॉर्ट आंसर मिलेगा, लॉन्ग आंसर मिलेगा, सभी इकाई का सभी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको छूटने वाला नहीं है। वीडियो में जो आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर सभी प्रश्नों का वीडियो नहीं देख पाते हैं आप। होता क्या है,
कि मुझे भी उतनी टाइम नहीं मिल पाती जिससे सभी प्रश्नों का वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको सभी इकाई के सभी टॉपिक का MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा। यह इतने सारा सामान मात्र 100 रुपये में PDF के रूप में मिलेगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप करें, आपको मैं दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।